हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पुट द चैप्टर्स नेम अर्थ मैग्नेटिज्म आपका चैप्टर नेम है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस में से कुछ टॉपिक रिमूव हो गए हैं सीबीएसई से, तो हम जो भी बचा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेम एज हमको पढ़ना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो पुट द हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, सेम एज यहां भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इमेजिनरी लाइंस है वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्टिन्यूअसली रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हम ऐसा कहेंगे कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच कॉन्टिन्यूअसली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट represents the magnetic field, okay, and tangent drawn at any point on the magnetic field line represents the direction of magnetic field at that point. So you may write the lines of forces, the lines of forces in a magnetic field are those imaginary lines which continuously represent the direction of magnetic field. Clear? These are the those imaginary lines which continuously represents the direction of magnetic field. Clear? कोई problem नहीं होनी चाहिए। अगर हम bar magnet की बात करें तो bar magnet दो poles पे depend करता है, एक south pole होगा और एक north pole होगा। तो यहाँ north और ये south, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से एमर्ज करेंगी और साउथ पे फिनिश हो जाएंगी। इस टाइप से एक क्लोज कर्व बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की या सोलेनोइड की, तो बिल्कुल इसके जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
फोर्सेस जनरेट होती हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पर अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर क्या शो करेगा, टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड बिल्कुल सेम होगा, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, अगर माइनस टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल और ये प्लस टर्मिनल है तो ये नॉर्थ का वर्क करेगा और ये साउथ का, और इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी। बना लीजिए आप लोग जल्दी से, फटाफट से बना लीजिए इसको, और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। टॉपिक की बात करेंगे इसके आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक दो प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है। तो पहला पॉइंट ये है कि नॉर्थ पोल से मर्ज करती है और साउथ पोल पर एंटर करती है, क्लोज्ड कर्व बनाती, क्लोज्ड लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं था। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल and make a closed loop, bracket में लिख देना n, electric field lines not closed, electric field lines not closed, clear? तो ये क्या करती है, नॉर्थ पोल से मर्ज करती हुई
साउथ पोल में इंटर करती हुई एक क्लोज कर्व बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो सिंपली टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर यहां पर इंटरसेक्ट कर दिया तो यहां एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगे ना, और एक पॉइंट पे दो टेंजेंट होने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डबल डायरेक्शंस हो जाएंगी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही सर्टेन पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड हो गया टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर हम बात करें नियर द पोल, तो पोल के नियर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, इसका मतलब है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्लोजर होंगी, जहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां डिस्टेंट होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट नियर द पोल वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर वीकर, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड वीकर फील्ड लाइंस एट डिस्टेंट, बहुत दूर दूर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फोर्थ इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। यानी कोई अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती है। जो ये हम फॉर्म करते हैं वो क्या होती है? हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। पहला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल एंड मेक्स अ क्लोज्ड कर्व और क्लोज्ड लूप, एंड थर्ड इज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, एंड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डिस्टेंट, एंड थर्ड पॉइंट इज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। थैंक यू।
आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की। अर्थ के अंदर भी अर्थ के भीतर भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी अर्थ भी मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म से भी क्या है, फुलफिल्ड है। और सब लोग मानते तो हम भी मानते हैं, बट हम लोग क्या है, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो मानने पर तो काम चलता नहीं जब तक हमारे आगे कोई एविडेंस ना हो, और वो भी एविडेंस कैसा, साइंटिफिक। सबके पास एविडेंसेस हैं। पहला एविडेंस ये है कि अगर हम साउथ पोल पर किसी मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, साउथ या नॉर्थ पोल पे, तो वो क्या करती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर अलग ले जाते हैं पोल से हट के, तो वो क्या होता है, हल्का तिरछा होकर के नॉर्थ साउथ पोल में लाई करती है, स्टे करती है। तो पहला एविडेंस यही हो जाता है हमारा जब कोई मैग्नेटिक नीडल फ्रीली क्या किया जाता है, हैंग की जाती है, तो हल्का नॉर्थ साउथ पोल पे बेंड होती, झुकी होती है। क्लियर। दूसरा एविडेंस है कि अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन ले, ठीक है, और आयरन को हम जमीन के अंदर गाड़ दें, ठीक है, वी बरीड आयरन, ठीक है, आफ्टर सम इयर्स इट अराइज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या आ जाएंगे, चुंबक के गुण आ जाएंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर कोई आयरन क्या करते हैं, हम जमीन में गाड़ दें, ठीक है, तो वहां ये भी एक एविडेंस है, ठीक है। और दूसरा है नल पॉइंट का होना, कि अगर एक मैग्नेट ले तो उसके कुछ दूर जाने पर मैग्नेटिक नीडल पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसका ये मतलब है कि उस पॉइंट पे बार मैग्नेट और उस मैग्नेट अर्थ मैग्नेट की इंटेंसिटीज क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो इस सिचुएशन में इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो न्यूट्रल पॉइंट का होना, ठीक है ना। तो ये तीन एविडेंसेस हैं जो हमें बताते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, यानी अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अगर और कोई भी एविडेंसेस हैं आपके पास तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर हम बात करें कि जब किसी की डेथ हो जाती है, आप लोग देखते होंगे, तो डेड बॉडी को हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रखा जाता है, इसका कारण क्या है, और ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप सर्च करिए, बताइए हमें इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। और जो एंशिएंट टाइम में या अगर हम दादी बाबा से पूछे तो वो कुछ अलग ही बताते हैं, ठीक है, बट इसका साइंटिफिक रीजन है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा हमें कि जो डेड बॉडी होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों रखी जाती है, इट्स अ क्वेश्चन, ओके। तो हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के, और अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड क्या साक्ष्य है हमारे पास उसके बारे में लिखेंगे। तो पहला साक्ष्य ये है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टेज in north south direction। किस डायरेक्शन में ठहरती है, मैग्नेटिक नीडल होती है,
ठहरता है। दूसरा दूसरा ये कि इफ वी बरीड अ मैग्नेटिक सॉरी आयरन सब्सटेंस इन अर्थ इट अराइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो सिंपली एन आयरन पीस buried in earth become magnet। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज बिंदु का होना एक न्यूट्रल पॉइंट का होना। तो ये हमारे पास सात छह हैं जिनके द्वारा हम बताते हैं कि अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होती है या मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे की बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट के बारे में। तो पुट द हेडिंग बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on earth surface। put the heading behavior of magnetic needle on earth's surface। यानी earth's surface पर magnetic needle किस तरह behave करती है के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं। ये हमारी अर्थ है, बिल्कुल राउंड बना दिया है हमने, और अर्थ है नॉर्थ पोल। क्या हो जाएगा? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और ये हो जाएगा आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है। अगर हम यहां पर क्या रखें, मैग्नेटिक नीडल रखें, क्या रखें, मैग्नेटिक नीडल, तो इस तरह से कंसाइड करेगी। नॉर्थ
यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, इस तरीके से ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर मतलब जो मैग्नेटिज्म से 90 डिग्री पर है, ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये सब हमें चीजें पढ़नी नहीं है, बस हम बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारा पोल है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है ना, डायरेक्शन जो एग्जैक्ट स्ट्रेट है। बट अगर हम मैग्नेट की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इससे हल्का सा कुछ एंगल बनाता है 1.5 यानी 11.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, इतना झुकाव रहता है। ठीक है, कुछ डेफिनेट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल पोल्स हैं। तो इसको बना लीजिए और हम एक हेडिंग डाल देंगे मैग्नेटिक पोल की। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए आप लोग। मैग्नेटिक पोल या पोल, तो पोल तो दो होते हैं बेटा, कितने होते हैं दो, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो सिंपली कोई दो ऐसे प्लेसेस होंगे जहां पर मैग्नेटिक नेचर बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगी और उसी पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे मैग्नेटिक पोल्स। तो लिख लीजिए द टू प्लेसेस वेयर मैग्नेटिक नीडल बिकम परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस is known as magnetic pole। ठीक है, अब हम दो planes की बात करेंगे, एक होगा हमारा geographical meridian और दूसरा होगा magnetic meridian। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, दो पोल्स हैं हमारे, एक जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ, और इसके वर्टिकल जो प्लेन होगा इस टाइप से ऊपर की तरफ उसे हम क्या बोलेंगे
जियोग्राफिकल मेरिडियन क्लियर है, यानी जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले जो वर्टिकल प्लेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो लिख लेते हैं द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ टू द जियोग्राफिकल साउथ इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी कोई भी वर्टिकल प्लेन जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ के वर्टिकली पास हो रही हो उसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए जियोग्राफिकल सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपली वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आ गई बात, यानी इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। इतना क्लियर है, आई होप कोई समस्या नहीं होगी इसमें। तो ये सारी चीजें थी हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। इसके आगे हम अर्थ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से आप लोग रीड करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।